कुछ ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली हैं। इस दौरान बहुत से लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं। इनमें से कुछ लोग केवल एक बार ही फलाहार करते हैं और कुछ लोग फलाहार के अलावा भी कुछ नमकीन खाना पसंद करते हैं। तो उनके लिए मैं आज लेकर आई हूँ आलू और ड्राई फ्रूट्स की नमकीन की रेसिपी, जिसे आप झटपट बना सकते हैं और कभी भी खा सकते हैं और इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमा दा स्वाद में। आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। नमकीन बनाने के लिए हमने ये 4 आलू लिए हैं जो मीडियम आकार के हैं और इनको हमने धो लिया है। सबसे पहले अब हम इनको छील लेते हैं। आलूओं की मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने ये 4 आलू लिए और इनको छीलकर पानी में डाल लेते हैं जिससे ये काले ना पड़े। पानी में से हमने इनको निकाल लिया है। अब हम कद्दूकस करेंगे, तो आपको पतले साइड से नहीं करना है, कद्दूकस मोटे साइड से करना है जिससे इनका लच्छा अच्छा बने, मोटा बने और तलने के बाद एकदम कुरकुरा हो जाए। और ये हमने 2 आलू कस लिए और इनको पहले हम पानी में डाल देते हैं। बाकी के 2 आलू अब बाद में ग्रेट करेंगे, क्योंकि आलू जल्दी से काले पड़ जाते हैं, इसलिए पानी में डालना बेहतर रहता है। आलू में जो स्टार्च होता है वो इसको ब्लैक बना देता है, इसलिए हमें इसको 2 से 3 बार अच्छे से धोना है जिससे सारा स्टार्च निकल जाए और आलू वाइट रहे। अगर आपको नमकीन तलते टाइम आपको आलू ब्राउन कलर का नहीं चाहिए तो आप धोते टाइम थोड़ी सी फिटकरी डाल दें और 2 मिनट के लिए फिटकरी के पानी में आलूओं को रहने दें, तो आपकी नमकीन एकदम सफ़ेद बनेगी। मैं फिटकरी नहीं डाल रही हूँ और 2 से 3 बार इसको अच्छे से धो ले रही हूँ। अब मैं इसको निचोड़ के एक बोल में डाल लूँगी, ये 3री बार है मेरा। और अब मैं इसको एक सूती कपड़े पर सुखा दूँगी जिससे इसका पानी सूख जाए। और इस तरह मैंने इसको पूरा फैला दिया है पंखे के नीचे। और 1 घंटे बाद देखो ये एकदम सूख चुकी है, मतलब इसको सुखाना नहीं है, मतलब पानी सुखाना है। और इधर कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी डाला है। यहाँ कढ़ाई में हमने ड्राई फ्रूट्स तलने के लिए घी डाला है। और ये हम ले रहे हैं बादाम, छोटी कटोरी है, वो भी खा लिए। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लो फ्लेम पे इनको थोड़ी देर ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं और इनका कलर ब्राउन हो चुका है तो अब हम इनको निकाल लेंगे जिससे ये जले नहीं। तो ये हमने बादाम निकाल लिए हैं और अब डाल रहे हैं हम 1 कटोरी काजू। काजू को भी इसी तरह ब्राउन होने तक लो फ्लेम पे, फ्लेम तो आपको लो ही रखना है, जब तक जो भी चीज़ें आप तलोगे आपको लो ही रखना है फ्लेम। और ये हमने लिए 1 कटोरी मूंगफली, और इनमें से कोई भी आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, मूंगफली नहीं है तो मूंगफली, बादाम या काजू, कोई एक चीज़ दो चीज़। केवल आलू और मूंगफली की भी बनाओगे तो बहुत अच्छी बनेगी। और ये मूंगफली भी हमारी तैयार हो गई है फ्राई होके। थोड़ा घी हमने चेंज कर लिया है, थोड़ा घी डाल के ये डाल रहे हैं मखाना। और मखाने को भी इसी तरह अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ये क्रिस्पी हो जाता है घी में इस तरह तलने से। अगर हम ड्राई इनको भूनेंगे तो उस तरह क्रिस्पी नहीं होता जितना घी में भूनने से ये क्रिस्पी होता है। तो ये भी लगभग हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। गैस का फ्लेम लो ही है, पता नहीं क्यों ये धुआं जैसे छोड़ रहा है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। इधर कढ़ाई में ऑयल गरम हो चुका है तो जो आलू थे हमने डाल दिए हैं। 2 बैच में हम इनको फ्राई करेंगे। आलू तलते टाइम आपको गैस का फ्लेम हाई रखना है और 2 से 3 मिनट बाद आपको फ्लेम मीडियम कर देना है। और अभी हमने इन्हें डाला है तो गैस का फ्लेम हाई है। और इस तरह थोड़ी देर बाद हम इन्हें बीच में चलाते रहेंगे और इन्हें सही छोड़ देंगे। और ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार होने वाली है नमकीन। और आलू में बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
अगर मैंने पहले ही बताया, अगर आपको इसे एकदम वाइट रखना है तो फिटकरी के पानी में गलाएं, जो तलने के बाद भी ब्राउन नहीं होगी और एकदम सफ़ेद क्रिस्पी बनेगी। व्रत में लगातार कोई एक चीज़ खाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसे में ये नमकीन बहुत अच्छा ऑप्शन है और जिनको नमकीन खाने की क्रेविंग होती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है, क्योंकि चाय के साथ वो या कभी भी व्रत में खा सकते हैं। और ये नमकीन फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और दूसरा बैच भी हमने कढ़ाई में डाल लिया है और अब हमने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है, क्योंकि ये थोड़ी देर में तल के तैयार होने वाला है, इसलिए हमें इस तरह थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है और आधा मिनट में ये अभी तैयार होता है। और देखो ये तैयार है, अब हम इसको निकाल लेते हैं और इस तरह, और ये जब इस तरह कढ़ाई में रह जाए तो आप चाय छानने वाली छन्नी से इस तरह निकाल सकते हैं। और ये हमारी नमकीन तैयार है, तो इसमें हम डालते हैं ये ड्राई फ्रूट, तो ये डाले हमने काजू और ये बादाम और ये मूंगफली, किशमिश, किशमिश से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, नमकीन खट्टी मीठी लगती है। और ये डाल रहे हैं हम मखाना और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब डालेंगे हम इसमें काली मिर्च पाउडर और डालेंगे सेंधा नमक, जो व्रत में खाया जाता है, सेंधा नमक और काली मिर्च। इसके अलावा हमें कोई मसाला नहीं डालना है, क्योंकि ये व्रत के हिसाब से है। अगर आप वैसे ही खाना चाहते हो नॉर्मल दिनों में तो आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो, जैसे गरम मसाला, आमचूर पाउडर और चाट मसाला आप डाल सकते हैं। मैंने ये व्रत के हिसाब से बनाई है और ये हमारी क्रिस्पी नमकीन एकदम तैयार है। तो आप इसे किसी भी व्रत के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो, ये केवल नवरात्रि के लिए नहीं है और महीनों स्टोर रखा जा सकता है। बड़ों से लेके बच्चों तक और बच्चों से लेके रिश्तेदारों तक सबको ये नमकीन बहुत पसंद आने वाली है, इसलिए आप इसे झटपट बनाएं और स्टोर करके रख लें और जब मन करे तब इस नमकीन का आप लुत्फ़ उठाएं और नमकीन के गुण भी गाएं। तो आज आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले।